अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हमारा एक टिपिकल डे शेयर करने जा रही हूँ। सो आई एम गोना शो यू गाइस कि किस तरह से हम एज अ फैमिली ऑफ फोर हाउ डू वी मैनेज टाइम, किस तरह से हम होम स्कूलिंग भी करते हैं, एक्टिविटीज एंड टास्क वगैरह भी प्लान करते हैं, देन हाउ डू आई मैनेज टू कुक एंड क्लीन, एंड अगर कुछ मी टाइम है जैसे जिसमें आपने कुछ रीड करना है, जिस तरह मैं यूट्यूब भी करती हूँ, सो हाउ डू आई प्लान एंड मैनेज ऑल दैट इन अ डे। इट सीम्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर यू गाइस। आप लोग अक्सर ही पूछते हैं कि हाउ डू यू मैनेज इट, होम स्कूलिंग इज रियली हार्ड, आपको होम स्कूलिंग भी इतनी प्लान करनी पड़ती है, how do you do that? So anyways, this is what I'm going to show you guys today in this video. So without further ado, let's just get right into the video. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोना वेक अप अर्ली। अर्ली का मतलब है कि बच्चों से एटलीस्ट मैंने पहले उठना है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ, बट एनी वेज राइट नाउ आई एम फिलिंग अप माई बॉटल विथ सम वाटर। और ये छोटा सा ट्रिक है कि मैं नई नई बॉटल्स खरीदती रहती हूँ क्योंकि मैं पानी बिल्कुल भी नहीं पीती है। दिस इज जस्ट अ लिटल साइकोलॉजिकल यू नो ट्रिक दैट आई प्ले विद माई माइंड यू नो टू ड्रिंक मोर वाटर। एनी वेज नेक्स्ट आई एम गोइंग टू वाटर दी प्लांट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। इट्स नाइस एट दिस टाइम वन इट्स स्टिल कूल, तो पानी जो है रूट्स तक पहुँच जाता है। इसके बाद मैं सेहन थोड़ा सा एक दफ़ा वॉश कर देती हूँ, जस्ट वेरी क्विक वॉश। और मैं एटलीस्ट 5 days a week करती हूँ क्योंकि बच्चे अंदर बाहर बहुत ज़्यादा लगाते हैं, सो इट्स गुड टू हैव द फ्रंट यार्ड क्लीन। सो गाइज दिस ओवर हेयर इज़ मी टाइम। इसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि इसलिए बच्चों से पहले उठना ज़रूरी है, चाहे आप 15 मिनट पहले उठें या घंटा पहले, इट्स टोटली अप टू यू। मैं तकरीबन घंटा पहले उठने की कोशिश करती हूँ। द थिंग इज़ मदर की जो लाइफ है वो बच्चों की नीड्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। सो अगर आप उठते ही एकदम बच्चों की खप में शुरू हो जाते हैं, कोई रो रहा है, किसी को दूध चाहिए, किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को फ़ौरन भूख लगी है तो उसको ब्रेकफास्ट आपने नहीं नाश्ता बना के देना है, सो देयर इज़ अ टोटली मेस्ड अप स्टार्ट ऑफ द डे। सो व्हाट यू कैन डू इज़ किस दौरान अपना कुछ कर सकते हैं। सो मैं कुछ कॉमेंट्स के रिप्लाइज कर देती हूँ, यू नो जो वीडियोज़ पाए होते हैं, कुछ या का जो पूरा दिन की हमने एक्टिविटीज़ प्लान की होती हैं उनका एक ओवरव्यू सा देख लेती हूँ। आई ऑल्सो लाइक टू फिल अप माई लॉग, मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ तो उसका कुछ जो मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या खाया है, वो सारा लॉग करती हूँ। एंड या दैट्स इट, आई एम जस्ट गोना गो नाउ एंड वेक अप द किड्स। सो ज़ियाद को हम सेपरेट सुलाते हैं तो अब मैं उसको सबसे पहले उठाने जाऊंगी। वो अपनी कॉट में सो रहा होता है आराम से, उसको सबसे पहले उठाऊंगी एंड उसको सोफे पे लिटाऊंगी, उसकी बॉटल उसको पकड़ाऊंगी एंड देन आई एम गोना गो एंड वेक याहिया। सो याहिया आज इतफाक से खुद ही उठ गया था, सो वी आर जस्ट गोइंग टू कडल ऑन द सोफा फॉर अ बिट नाउ। Are you awake? Mia? Behind you. Mia? Oh. Hello. अच्छा ज़ियाद ने अस्सलाम वालेकुम किए, मामा को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो भैया? अस्सलाम वालेकुम याद से, अस्सलाम वालेकुम इसे, अस्सलाम वालेकुम भैया से लाउडली से याद याद ये याया, अस्सलाम वालेकुम शो हिम योर हैंड से, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हम प्ले रूम में आ चुके हैं तो अब मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, कि आपने सुबह उठते ही एक दफ़ा बच्चे को 1-to-1 अटेंशन, एक अटेंशन का डोज उन्हें ज़रूर देना है। कि उठते ही आप अपने कामों में लगने के बजाय थोड़ी सी देर, 15 से 20 मिनट भी आप बच्चों के बैठ के उसके साथ कुछ खेल लें, कोई टॉयज़ के साथ कोई बात कर लें, तो बच्चे बहुत कम वाइनी होते हैं और आपका रिलेटिवली दिन का स्टार्ट बहुत बेहतर गुजरता है। Yeah. But you just learned to write your own name. Kyle and Baba Mama's name. Okay. I'm going to make an activity where you can write Baba's and Mama's name. But Mama's name is really easy. Yeah. It's Sarah. Yeah, in Urdu you can say Sara. And Navi's name is easy. Yeah, it's not that hard. Navid. Is it like that? Yeah.
चलिए जी, निवेद अब टेक ओवर कर चुकी है बच्चों के साथ। अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे प्ले रूम में, थोड़ा सा खेलेंगे एंड इस दौरान मैं जाऊंगी किचन में एंड आई एम गोना स्टार्ट प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट। सबसे पहले मैं रात के जो धुले हुए बर्तन थे उन्हें क्लियर करूंगी, उनको उनकी जगहों पर रखूंगी। ये भी एक छोटे छोटे टास्क होते हैं जो आपने करने होते हैं, किसी ने तो करने होते हैं, अमूमन मदर्स ही कर रही होती हैं। इट्स रियली गुड कि अगर आपके हस्बैंड्स भी साथ हेल्प करवा देते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी होकर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती हैं। अगर आप होम स्कूलिंग भी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो इट्स रियली गुड कि आपके हस्बैंड भी अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो एनीवेज जी, ये याद में आ चुकी है और मैंने कैमरा लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसको मना कर रही हूँ लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। खैर, अब हम ये कुछ एग्स बॉयल करें। यहाँ पे चाय रखी हुई है साथ, एग्स मेरी कोशिश होती है लाजमी हो, ब्राउन ब्रेड हम खाते हैं, मुझे ये ब्रांड बहुत पसंद है। एंड देन वी हैव सम स्ट्रॉबेरीज हेयर, बच्चे स्ट्रॉबेरीज बहुत शौक से खाते हैं, मेरी कोशिश होती है कि स्ट्रॉबेरीज घर में हमेशा अवेलेबल हो, फ्रूट्स ऑब्वियसली बच्चों को देने चाहिए। सो जस्ट गेटिंग टू द ब्रेकफास्ट नाउ। Not so pretty. Mm-hmm. I'm just a boy. Hey, क्या खा रहे हो आप? मैं खा रहा हूँ strawberry है। हाँ, but it looks like a heart. और egg है? नवीद अब ज़ियाद की हेल्प करेंगे ब्रेकफास्ट उसका ख़त्म करवाने में। उस दौरान मैं याहिया को प्ले रूम में ले जाऊंगी एंड वी आर गोना स्टार्ट आवर सिट डाउन वर्क जो सिर्फ 30 मिनट का होता है। सो बेसिकली हम ये 10 बजे स्टार्ट करेंगे एंड 10:30 तक हम तकरीबन फारिग हो चुके होंगे। सो वी गोना स्टार्ट विद द मॉर्निंग सर्कल टाइम बोर्ड। Let's do our snowball song. Let's sing that. Do you remember that song? Yeah. Let's say, I made myself a snowball as perfect as could be. I thought I'd keep it as a pet and let it sleep with me. I made it some pajamas and a pillow for his head. Then last night it ran away, but first it wet the bed. Like यहाँ पे मैं याहिया को लेटर जी की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो पहले हमने कुछ दिन क्ले के साथ भी किया, देन वी डिड इट ऑन द वाइट बोर्ड, और अब हम ये पेपर पे पहले उसको ट्रेस कर रहे हैं वो। सो ये हमारा दो वीक से ऊपर हो चुके हैं तकरीबन एंड वी आर स्टिल स्टक ऑन जी, पर मुझे कोई जल्दी नहीं है। और यही बात होती है होम स्कूलिंग में कि आपने फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है। इवन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे का दिल नहीं चाह रहा होगा लिखने का, तो आपने उसको छोड़ देना, आपने ज़बरदस्ती इसी टाइम पर सिट डाउन वर्क में लाजमी ख़त्म करवाने की कोशिश नहीं करनी। आप उसको छोड़ दें, फिर आप दोबारा किसी टाइम आएँ एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, एंड देन यू कैन ट्राई डू इट। सो एनीवेज, अब यहाँ अपना रिव्यू कर रहे हैं लेटर्स ए टू जी जो सीख चुके हैं, उनको दोबारा से एक दफ़ा वाइट बोर्ड पर प्रैक्टिस कर रहा है। एंड इसके बाद फिर हम वर्बल एडिशन की प्रैक्टिस करेंगे जो मैथ्स एक्टिविटी होगी। So I have 5 and a 4. So I have a 5 and a 4. How much is 5 plus 4? 5, 6, 7, 8, 9. I think we are making a smiley face. Yeah. 2, 4, look at the smiley 6, face. 8, and 9. Can you roll the dice now? अच्छा, ये वाला टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें उन चीज़ों को टारगेट कर सकती हूँ जिसमें थोड़ी सी रिलेटिवली ज़्यादा मेहनत लगती है। सो इसमें मैथ्स लिटरेसी यानी कि रीडिंग एंड राइटिंग की जो एक्टिविटीज़ वो आती हैं। सो वी जस्ट कैन डू दैट नाउ एंड आफ्टर दैट बच्चे जो है वो अपने बाबा के साथ जो है बाहर वाले रूम में चले जाएंगे, वहाँ पर कुछ खेले कूदेंगे। एंड देन उस दौरान मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि घर का काम है तो मैं वो थोड़ा सा समेट लूँगी। जैसे अभी हमारी कुछ लॉन्ड्री थी पिछले दिन की धुली भी, तो मैं उसको समेटूंगी। अच्छा, देखने में तो बड़ा आसान लग रहा होता है और एक्चुअली होता भी है। सबसे जो हार्ड पार्ट होता है इट इज़
की प्लानिंग, सो यू हैव टू प्लान अहेड. एक हफ्ता अहेड प्लान कर लें या फिर पिछली रात आप अगले दिन का पूरा प्लान कर लें. इस तरह से टास्क बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं. एंड आप टाइम ब्लॉकिंग की टेक्निक यूज़ करें, यानी कि घंटे के हिसाब से प्लान करने के बजाय आप घंटों के हिसाब से प्लान करें, यानी कि ब्लॉक्स में प्लान करें. फॉर एग्जाम्पल मेरा होता है 8 to 12, सो मैं टास्क जो है इस 8 to 12 के बीच में जो टास्क करने होते हैं तो मैं वो प्लान कर लेती हूँ पहले से. फॉर एग्जाम्पल जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 टास्क होते हैं वो मेरे जहन में होते हैं कि सुबह में आई हैव टू हैव दैट मी टाइम, देन देर इज़ ब्रेकफास्ट, देन देर इज सिट डाउन वर्क, एंड देन उसके बाद क्रिएटिव प्ले होता है. तो इस ये सब करते करते 12 हमारे बच जाते हैं, उसके बाद फिर बच्चों का नैप टाइम. सो एनी वेज अजी, बच्चे अब आ चुके हैं और ज़्यादा अगेन मेरे कैमरे पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने उसको पकड़ के ऊपर बेड पर लटा दिया. मैं जल्दी जल्दी से जो है सारे कपड़े समेट रही हूँ ताकि ये लोग सारे मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया ना कर दे, और बस फिर मैं इन कपड़ों को उनकी जगहों पे रख दूँगी. अच्छा, ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है, मैं क्लॉजेट में बच्चों के कपड़े जो है ना मैं नहीं रखती. जब से मैं सऊदी आई हूँ तो मैंने इस तरह से ड्रॉर्स जो है, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, इनमें जो है मैं बच्चों के कपड़े रखती हूँ, क्योंकि इट्स आई थिंक इट्स मच ऑर्गेनाइज. एंड इस तरह से आपने जैसे मुझे तय करते हुए देखा होगा, मैं रोल करके तय करती हूँ, देन आप उसको इस तरह से व्हाट डू यू से कॉलम्स ऐसे बना देते हैं. देन उस एनीवेज अब फ्री प्ले टाइम है, तो इस पे जी मैंने ज़ियाद को ये टेंस पकड़ा दिए हैं, इसके ने डू दोज. एंड इस दौरान रिहाया और नवीद जो है वो एक बुक को री एनैक्ट करेंगे. सो दिस इज़ द बुक कॉल्ड आई वॉन्ट माई हैड बैक. तो इसमें एक बेर होता है, उसकी हैड घूमी होती है, एंड देन वो डिफरेंट एनिमल्स के पास जाता है एंड उनसे पूछता है कि हैव यू सीन माई हैड. तो नवीद इज़ द बेर एंड रिहाया जो डिफरेंट एनिमल्स जो है ना वो बनेगा. सो या इंजॉय. You're trying to climb this rock. Well, Mr. Turtle, have you seen my hat? Yeah, I can help you. I can help you get on the rock. You're welcome, Mr. Turtle. Now you can be the snake hanging from the sofa. Oh, hello, Mr. Snake. Have you seen my hat? Oh no, my hat doesn't look like that. No, I'm gonna lie down here and miss my hat. Oh, my poor, poor hat. I don't know where it is. Now you can be the deer. What's the matter? I can't find my hat. Wait a minute. I have seen my hat. Oh. You! You stole my hat. Little rabbit, no. Give back my hat. Oh. What rabbit? No. I haven't seen any rabbit. I wouldn't eat a rabbit. Don't ask me any more questions. What? मुझे इतनी कोई हंसी आ रही है देख के, बस लिटरली ऐसे ही है. सुबह में वी आर हाइपर एक्टिव इन आर हाउस. अच्छा, ये जो बुक को एक्ट आउट करने का जो तरीका है ना, दिस इज़ रियली गुड. इससे बच्चा स्टोरी में और ज़्यादा इंगेज हो जाता है, एंड देन वो स्टोरी को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रोसेस कर रहा होता है. सो डू गिव इट अ ट्राई. आपके बच्चे की जो सबसे फेवरेट बुक है ना उसको पकड़ें आप, एंड देन उसको इस तरह से एक्ट आउट करने की कोशिश करें. आप प्रॉप्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक सिंपली एक्टिंग आउट वुड बी रियली फन. अब मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं हेलीकॉप्टर. क्या ये क्या this, papa? ये है लगेज ट्रक है. हाँ जो हाँ जो चल ओपन कर दो और मैं एरोप्लेन. या क्या बना हुआ है लगेज ट्रक. भाग भाग के बच्चे अब थक चुके हैं, सो वी जस्ट चिलिंग आउट हियर ऑन द कारपेट विद द किड्स. मशीन चल रही है, ग्राइंडर. या इज बीइंग रियली क्रिएटिव विद हिज जेंगा ब्लॉक्स ओवर हियर. टर्टल पापा इज अ काउ मैन. सिंधी मैन एंड काउ मैन, सिंधी बेबी एंड काउ मैन. टर्टल Turtle trying to climb this rock. Turtle. Wow, Papa. Excuse me, Papa. Are you a cow man and is that a Cindy man? Yeah, this is Cindy man. This is Cindy man. Nini time? Agree, Kara. Nini time. I agree, Mama.
ओके जी, अब 12 बज चुकी है। सो आपने देखा कि मैंने ज़ियाद को नैप टाइम के लिए, उसका जो नैप टाइम होता है 12 से 2 बजे होता है, वो मैंने उसको लेटा दिया है। एंड नाउ आई एम जस्ट क्विकली डू द ब्रेकफास्ट डिशेज। और आपने ये देखा होगा कि मैंने डायरेक्टली नाश्ते के बाद बर्तन नहीं धोए, उसकी एक ये सिंपल सी वजह है कि उस टाइम आपने बच्चे की अटेंशन जो है ना वो इधर उधर ना हो, आपने उसको पकड़ना होता है उस टाइम। सो दिस इज़ व्हाट आई डू, कि मैं कामों में लगने के बजाय नाश्ते के डायरेक्टली फ़ौरन बाद में उसको रूम में ले जाती हूँ, एंड देन वी डू आर ऑल द एक्टिविटी। एंड देन मैं इस तरह 12 बजे जब नैप टाइम होता है ज़ियाद का, देन आई डू द डिशेज क्विकली, एंड देन आई विल जस्ट प्रे, नमाज वगैरह पढ़ूंगी। देर आर सम तफसील लेसन्स वगैरह जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं कुछ ज्वाइन किए हुए, वो आई कंप्लीट दैट एट दिस टाइम, क्योंकि वो सुकून का टाइम होता है। इस दौरान जो यहाँ होता है अपने बाबा के साथ बाहर वाले रूम में होता है, एंड ही इज़ जस्ट चिलिंग आउट ओवर देयर, एंड देन ये मेरा थोड़ा सा मी टाइम इसे कहने के, दिस इज अनदर ब्रेक दैट आई गेट इन अ डे। सो यू मेड अ कार एंड अ मैन एंड अ टीवी। एनीवेज मेरा मी टाइम जो कि 1.5 घंटे का था वो खत्म हो चुका है। मैं यहाँ पे आई हूँ, आप देख सकते हैं नवीद यहाँ पे चिल कर रहे होते हैं। यहाँ का ये मोर लाइक इंडिपेंडेंट प्ले टाइम होता है, खुद से खेलता है वो। मैं इसको फिर अंदर लेके जाती हूँ, कुछ कार्टून्स लगा के देती हूँ। ही लव्स ईटिंग कॉर्नफ्लेक्स एट दिस टाइम, तो मैं उसको थोड़ी सी कॉर्नफ्लेक्स देती हूँ, देन मैं उसकी मिल्क की बॉटल बनाती हूँ, एंड देन मैं उसको सुलाने के लिए उसके साथ लेट जाती हूँ। सो 2 से 3 बजे तक यहाँ का नैप टाइम होता है, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। नवीद इस दौरान ज़ियाद को बाहर रूम में ले जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं। फिर जब मैं बाहर आती हूँ तकरीबन 3 बजे तक, तो ज़ियाद का खाने का टाइम हो रहा होता है, उसको मैं थोड़ा सा उसका खाना देती हूँ। ये जी ज़ियाद का खाना शाना ख़त्म हो चुका है। ये बड़े मज़े की एक चीज़ है, ये मैंने छोटा सा एक वैक्यूम लिया हुआ है, हाउ डू यू से इट, पोर्टेबल वैक्यूम, से जो थोड़ा सा छोटा सा होता है। दिस इज़ रियली यूज़फुल, छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बच्चे इतना गंद करते हैं और आप खुद भी अनॉय होते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप इस तरह की कोई सहूलत अपने लिए कर लें जिसमें आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। सो एनी वे, ज़ियाद मियाँ फारिग हो चुके हैं, या जाग चुके हैं, तकरीबन 3 बज चुके हैं। एंड अब ज़ियाद को मैं थोड़ा सा ये ऑरेंजेस फ्रूट कुछ काट के दे रही हूँ, क्योंकि उसकी तसल्ली नहीं हुई खाने से, तो आई थॉट कि चलो उसको ऑरेंज दे देती हूँ, ही लव्स ऑरेंजेस, सो आई एम जस्ट गोना गेट दैट फॉर हिम। एंड यहाँ पर अब ज़ियाहिया का नवीद ने कुछ गेम सेट की हुई है। ये सैमसंग के अंदर ही एक ऑप्शन होता है कि आप किड्स मोड में मोबाइल को ले आए, उसके अंदर मुख्तलिफ ऐप्स होती हैं। तो याहिया जो है इस टाइम, अब ये 20 मिनट्स नवीद ने इसके रखे होते हैं, तो 20 मिनट्स के लिए ही इज़ गोना एंजॉय दैट। तो समरी बेसिकली ये है कि हमारा 12 से 3 का टाइम जो इसी तरह से गुजरता है, मेरा थोड़ा सा मी टाइम होता है, बच्चों के लंचेज एंड उनके नैप टाइम्स में गुजर जाता है। एनीवेज मैंने अब थोड़ा सा रूम को थोड़ा सा फ्रेशन अप करूँगी, जहाँ आया सो रहा था, एंड देन आई एम गोना कम बैक टू द किचन नाउ, सो आई एम गोना प्रिपेयर फॉर डिनर नाउ। हमारे 2 ही मेन मील्स होते हैं, सुबह में नाश्ता करते हैं, देन शाम में डिनर, बीच में हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं। एनीवेज आई एम गोइंग टू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द डिनर नाउ। डाइविंग हो रही है सो आई डोंट नो वाई आई एम बींग सो कैमरा ऑकवर्ड राइट नाउ, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो मैं बहुत अरसे से कर रही हूँ, लेकिन कैमरे में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की हो। सो बेसिकली आई यूज़ स्विम गॉगल्स ताकि मेरी आंखों में प्यास ना लगे, एंड इससे बहुत बचत हो जाती है। सो अगर आप सेंसिटिव है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट, जस्ट बाय सम रेगुलर स्विम गॉगल्स एंड उसको लगा के आप प्यास काटा करें। एनी वेज वगैरह मेक अ कीमा टुडे, नवीद इज कैन हेल्प मी आउट इन द किचन, ही वाजंट डूइंग एनीथिंग, सो इज जस्ट कैन हेल्प मी विद द डिनर। आप ज़ियाद की पिक्चर्स ले रहे हो? दिखाओ। बच्चे फ्रेश हो चुके हैं, सो के उठ के खाना भी खा चुके हैं, सो नाउ दे आर रियली चार्ज्ड, एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा खप डालनी है अब, यानी अब कोई 1-1.5 घंटा जो है ना बहुत ज़्यादा जो है, दे हैव टू, दे विल रन अराउंड, दे मेक नॉइज़। एनीवेज मैं यहाँ पे सैलेड बना रही हूँ, सैलेड हमारे खाने का लाजमी हिस्सा है। इसके बाद आई एम रियली टायर्ड, सो आई एम गोना यूज़ दिस रोज़ वाटर स्प्रे जो मैंने फार्मेसी से खरीदा था, इट्स सो गुड। जब भी व्हेनेवर आई फील टायर्ड, या वैसे भी जनरली भी, आई यूज़ दिस स्प्रे ऑन माई फेस। Oh,
Yeah. So this is our plan for the week. और आज की ये वाली कुछ activities थी, ये हमने दो हमने कर दी हैं. And this one, the build a pillow fort. ये हम अभी करने लगे हैं. Yes, we're gonna build a pillow fort. Can we do it with Ziad? Yes. Ziad can also join us. सो गाइज एज यू हैव सीन इन दिस वीडियो कि मैंने जो पढ़ाई चाहिए होती है ना वो सिर्फ सुबह में आधा घंटा ही होती है, बाकी पूरा दिन मैंने उसकी एक्टिविटीज तो प्लान की होती है पर दे आर मोर लाइक खेलना ही होता है उसमें, तो बच्चों को पता भी नहीं होता कि मामा ने एक्चुअली सारी एक्टिविटीज उसकी लर्निंग के लिए उसमें भी कोई लर्निंग डाली हुई है. ही जस्ट थिंग्स के इट्स जस्ट फन. सो यहाँ पर हम फोर्ट मुख्तलिफ फोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स रियली फन. यहाँ ने इतना इन्जॉय किया था रात तक वो इस फोर्ट के साथ जो है ना डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके खेल रहा था. It's almost 5 o'clock now. Ziad ka sone ka time ho raha hai. Is this a small and Yahya name recognition practice kar raha hai. That's a small A. सो दिस ओवर हेयर इज़ अनदर एक्टिविटी. इसमें याहिया को मैं उसके नाम के स्पेलिंग काइंड ऑफ जो है वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो ये काफ़ी टाइम हो गया इस तरह. ये पॉपसिकल स्टिक से मैंने छोटी सी एक्टिविटी बनाई थी, ये हम कर रहे हैं. उसके बाद मैंने कुछ कटआउट्स जो है उसके स्पेलिंग्स के जब वो मैं उसको देती हूँ ना, आस्क हिम टू अरेंज इट एंड ही इज़ रियली गुड एट इट एक्चुअली. सो 5 बज चुके हैं, ज़ियाद का नैप टाइम हो चुका है. सो 3 से 6 का टाइम हमारा इसी तरह से गुजरता है कि इसमें मैं खाना पकाती हूँ, बच्चे खेलते हैं, देन ज़ियाद का नैप टाइम होता है, हम लोग खाना खाते हैं, उन्हें सब करते कराते तकरीबन 6:30 हो जाते हैं. जादू ने नीनी कर ली थी. ओ क्या नजर आया है, क्या नजर आया है, लायन नजर आया है. लायन की आवाज सबसे अच्छे निकालते हो ना. जो पकड़ो, दे दो लायन, दे दो, पकड़ो लायन है लायन. सो ज़ियाद मियाँ जी तकरीबन 1 hour and 20 minutes सोए हैं. 1 घंटे बाद वैसे अबूमन ने उठा देती होती हूँ लेकिन आज बस खुद हम इतना थक गए थे तो थोड़ी सुस्ती होगी इसको उठाने में, तो 20 मिनट ऊपर हो गए. पर कोई बात नहीं, हमें रात में भी नींद आ जाती है, कोई मसला नहीं है. 11 बजे हम फिर से सो जाएंगे, फिर हम सुबह उठेंगे, सुबह 8 बजे उठेंगे, है ना. सो गाइस हमने खाना भी खा लिया था, हमने चाय भी पी ली थी, फिर ज़ियाद भी उठ गया था. सो नाउ वी जस्ट चिलिंग आउट हियर इन द मास्टर बेडरूम. यहाँ पे याहिया ने जो है वो डिफरेंट जो है ना जगहों पे ट्राई करने की कोशिश कर रहा है अपना फोर्ट. कभी हम नीचे बनाते हैं, कभी हम बेड पे बनाते हैं, कभी हम दोबारा नीचे आ जाते हैं. नाउ वी आर बैक टू द बेड अगेन. इट्स ए रियली गुड. याहिया इज़ रियली इन्जॉइंग इट. इस दिन वो पूरी रात तक इसके साथ जो वो खेलता रहा फोर्ट के साथ. एंड ज़ियाद भी इतना क्यूट नॉक कर रहा है यहाँ पे इस टाइम. सो या दे आर हैविंग फन. ज़ियाद जो है वो वहाँ पे बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं कि अभी हम तकरीबन आधे घंटे तक निकलेंगे पार्क के लिए. एंड दिस इज़ ए पार्क विच इज़ अबैंडन्ड काइंड ऑफ, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आता, बिल्कुल भी कोई भी नहीं. सो सी यू गाइस देयर. और इधर जो है मैं बहुत ही टिपिकल ये काम कर रही हूँ हमारी अम्मियों वाला कि निकलने से पहले जल्दी जल्दी 5 मिनट में आप जितना समेट सकते हैं समेट लो. तो मैंने कुछ बर्तन बाकी थे, नवीद बाहर जो है बच्चों के शूज़ वगैरह पहना रहे थे, मैं जल्दी जल्दी सारे बर्तन जो है वो धोने की कोशिश कर रही थी. एनी वेज वी जस्ट गोना हेड आउट नाउ. बिल्कुल हमारे 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर ही ये पार्क सा है. सॉरी मेरा पार्क, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट इट्स जस्ट इन ए बैरन प्लेस. यहाँ पे मतलब कोई भी नहीं आता. सो मैंने एक्सरसाइज सी शुरू की हुई है. आजकल बहुत गर्मी है तो मेरा घर में बिल्कुल दिन नहीं चाह रहा एक्सरसाइज करने का. सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं ब्रिस्क वॉक करती हूँ, एटलीस्ट 30 to 40 minutes की ब्रिस्क वॉक. आई ट्राई विद द स्ट्रॉलर थोड़ा सा ज़ियाद के साथ एंड देन आई विल लेट हिम प्ले विद याहिया ऑन द स्लाइड फॉर अ बिट. बच्चों की एनर्जी निकालने का एक बहुत फिट तरीका होता है कि आप बच्चों को सोने से पहले जब उनका टाइम है तो उससे कोई 1 घंटा 2 घंटे पहले आप बाहर या तो बच्चों को ले जाएं, थोड़ी सी हवा लगाएं या इस तरह भागे दौड़ें उनके साथ, उनकी एनर्जी सारी निकले. घर में भी कर रहे हैं तो भी ठीक है, ऐसे है ना आपका. सो यार वी जस्ट कैन डू दैट एंड देन वी कैन जस्ट हेड बैक टू होम. ओके गाइस वी आर बैक होम. तकरीबन 1.5 घंटा हमने बाहर गुजारा है, वॉक भी की, ज़्यादा खेला भी, ग्रास के ऊपर भी खेलते रहे.
एंड स्लाइड्स वगैरह भी लेते रहे. सो नाउ आई एम गोना गिव देम अ शॉवर एंड देन देयर गोना जस्ट प्ले अ लिटिल बिट. याहिया ने एक गेम बनाई हुई है कि रात में उसको खेलना होता है ज़ियाद के साथ, और इसमें उसको खुद एक नाम दिया है नाइट प्ले का. सो मुझे लग रहा है कि आज बिल्कुल एनर्जी नहीं है इन लोगों में नाइट प्ले की. नॉर्मली बहुत ज़्यादा खप मचाते हैं जब इसने नाइट प्ले करना होता है, क्लोजेट के अंदर भाग दौड़, लेकिन आज क्योंकि इनकी एनर्जी सारी बाहर निकल गई, सो देयर जस्ट चिलिंग आउट हियर ऑन द कारपेट. एनीवेज नवीद यहाँ पे हमारे लिए कुछ शेक्स बना रहे हैं. ही लव्स मेकिंग शेक्स एट नाइट, सो वी जस्ट गोना ड्रिंक दैट. ज़ियाद को थोड़ा सा खाना वगैरह दूंगी एंड देन वी जस्ट गोना हेड टू बेड. ओके गाइस, सो अभी 10:30 हो चुकी है. नवीद ने मिल्कशेक बना दिया है, हमारी एक रूटीन में शामिल हो चुका है कि शाम रात में नवीद मिल्कशेक जरूर बनाते हैं. बच्चे बहुत शौक से साथ जो है लेते हैं. नवीद का ये ख्याल है कि गर्मियों में आपको जो बहुत ज़्यादा तलब होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह की, तो उसको अवॉइड करने का एक तरीका है कि आप ये मिल्क शेक्स जो है ना पी सकते हैं. एंड देन याहिया इस टाइम अभी पीछे अपनी वो गेम खेल रहा है जो हमने आपको सुबह में भी दिखाई थी. नवीद ने थोड़ा सा टाइम इस तरह से सेट किया हुआ है कि सुबह में उसको 20 मिनट्स देते हैं एंड देन रात में भी उसको एक 20 मिनट्स खेलने देते हैं. अच्छा, अब हमारा स्क्रीन टाइम जो है ना बहुत कम होता था, यानी हम सिर्फ फ्राइडे तक हमने लिमिट किया होता था, लेकिन जब से क्वारंटीन एंड ऑल यू नो वेकेशंस भी आ गए समर वेकेशंस, तो तब से जो है ना स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. एक तो ये वजह है कि बाहर बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे, तो इट्स रियली हार्ड. आपने देखा ही है कि पूरा दिन ही बच्चे खेल रहे होते हैं, हम भी इंगेज होते हैं उनके साथ, लेकिन आप कितना इंगेज हो सकते हैं कि बच्चा खुद भी इतना अकेले भी खेलता है, आपके साथ भी खेलता है, बट तो फिर उसमें भी ये है कि स्क्रीन टाइम हमारा काफ़ी बढ़ा हुआ है नॉर्मल से. बट आई थिंक दैट्स फाइन. इंशाल्लाह जब क्वारंटीन वगैरह खत्म हो जाएगा, नॉर्मल रूटीन में आप वापस आओगे, तो वी विल कंट्रोल दैट देन. या फॉर नाउ वी आर हैप्पी विद दिस रूटीन. एंड नाउ जस्ट इन हाफ एन आवर बच्चों को बनानास वगैरह देंगे, एंड ये भी एक रूटीन में हमारी शामिल है, क्योंकि बनानास कैन यू नो अच्छी नींद आती है. बेसिकली मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था बनानास वगैरह रात में सोने से पहले खाने से आपको अच्छी नींद आती है. सो या बच्चे शौक से खाते हैं, वी गोना गिव देम दैट. फिर बॉटल्स वगैरह देंगे मिल्की, एंड देन वी गोना पुट देम टू बेड. सो 11:15 तक इंशाल्लाह बच्चे सो चुके होंगे. या सो दैट वाज इट फॉर टुडे. आई रियली होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो. मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो पे, मतलब मैंने पूरा दिन ही ऑलमोस्ट, मैंने इस टाइप का व्लॉग पहले कभी नहीं बनाया, तो ऑलमोस्ट पूरा दिन ही मैं फिल्म कर रही थी. एंड इट वाज अ बिट ओवरवेलमिंग. But maybe with practice, I will get better, you know, with this. Okay, then. Make sure to like and subscribe to my channel if you enjoyed this video. Okay, see you in the next video. Fi amanallah.